आम बजट आने के बाद जहां एक ओर भाजपा बजट के फायदे गिनवा रही है, बजट को जन कल्याण का माध्यम बता रही है, वहीं कांग्रेस इस बजट से असंतुष्ट दिख रही है। कांग्रेस की माने तो इस बजट से आम आदमी की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। सोलन में भी भाजपा वरिष्ठ नेता राजेश कश्यप ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उससे विकास के नए आयाम लिखे जाएंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बजट को बढ़ाया गया है। आम जनता को राहत मिले, बेरोजगारी से युवाओं को छुटकारा मिले, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने बजट को केवल वायदों का झुंझुना बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में हिमाचल की अनदेखी की गई है, जिसकी वजह से हिमाचल वासियों में भारी रोष व्याप्त है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा नेता राजेश कश्यप ने बजट को जनहित में बताया और कहा कि जो बजट केंद्रीय मंत्री सीतारमण द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह बेहद सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इस बजट से देश का चहुमुखी विकास होगा, अन्य राज्यों के साथ साथ हिमाचल को भी इसका लाभ मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बागवानी और कृषि क्षेत्रों सभी का इसमें ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि देश के 130 करोड़ लोगों को इसका फायदा निकट भविष्य में मिलने वाला है। मैं सबसे पहले तो मैडम सीतारमण का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने चहुमुखी विकास के लिए बजट पेश किया है। और ये जो केंद्रीय बजट आया है, इससे ना केवल हिमाचल प्रदेश परंतु सभी स्टेटों के लिए जो इससे फायदा होने वाला है। हाँ, ये जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो हेल्थ है, एजुकेशन है, और चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, यदि आप डिटेल में जाएं तो फिर मालूम होगा कि किस तरह से जो है 130 करोड़ लोगों के लिए बजट जो है लाभदायक होने वाला है। बहुत ही अच्छा बजट है और ग्रामीण और शहर और सभी बिजनेस हाउसेज को फ़ायदा उठाने वाला जो है ये बजट है। और जिसका आप इंडिकेटर ये देख सकते हैं कि कल जो बाज़ार था उसमें काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। तो वो एक सीधा सीधा इंडिकेटर होता है कि ये बजट जो है ये सर्वव्यापी और सर्व जनता के लिए, जो है वो अच्छा बजट जो है वो मैडम सीतारमण ने और हमारे यहाँ के जो राज्य केंद्रीय मंत्री है श्री अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने पेश किया है। बहुत अच्छा बजट है। हम माननीय मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वहीं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने भाजपा को बजट के मुद्दे पर घेरा और कहा कि हिमाचल वासियों की बजट में एक बार फिर अनदेखी हुई है। रेल विस्तारीकरण को फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया है। लघु उद्योगों के लिए बजट का प्रावधान न के बराबर रखा है। हिमाचल के किसान और बागबान में बजट का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि ऊपर से सेस लगाकर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। जिन राज्यों में चुनाव है उनको तोहफे दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल वासियों के हाथ इस बार केवल झुनझुना ही लगा है। केंद्रीय बजट में इसकी दिशा से साफ पता चलता है कि ये बजट जो है उद्योगपतियों को देखते हुए बनाया गया है। इसमें ना हमारे किसानों को, बागवानों को और जो छोटे उद्योग हैं उनके विकास के लिए कोई भी योजना नहीं है और यह बजट बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही हमारे हिमाचल से जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हिमाचल से हैं, वित्त राज्य मंत्री हिमाचल से हैं, तो हिमाचल के लिए सिर्फ एक, मैं कह सकता हूँ कि एक झुनझुना है। ना ही उन्होंने कोई रेल को बढ़ावा देने के लिए, ना ही कोई छोटे उद्योग के लिए और ना ही किसान बागवानों के लिए कोई योजना दी है। इन्होंने पेट्रोल पे भी 2.5 रुपये और डीजल पे 4.5 रुपये इन्होंने किया है। इससे बहुत ज़्यादा हमारे पे बोझ पड़ेगा और इससे किसान बागवानों को और आम आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इससे महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और पहले ही हम बहुत मंदे दौर से गुजर रहे हैं। किसानों के पास कोई इनके पास किसानों के लिए कोई नई योजना नहीं है, बागवानों के लिए कुछ भी नहीं है। साथ ही जो छोटे, हमें उम्मीद थी कि शायद छोटे उद्योग जो जो हिमाचल में लाने चाहिए थे, उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। मेरा तो सिर्फ ये मानना है कि शायद जो केंद्रीय बजट है ज़्यादातर उन प्रदेशों के लिए इन्होंने किया है जहाँ पे आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं।